हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि हम हरिद्वार में घूम चुके हैं, हरिद्वार से मनसा देवी भी घूम आए और अभी हम ऋषिकेश की तरफ निकल रहे हैं। तो अभी हम आपको हरिद्वार से ऋषिकेश तक का सफ़र दिखाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चौक से अगर आप राइट जाते हैं तो आपको भारत माता मंदिर के साथ में और भी काफ़ी सारे मंदिर दिखाई देंगे, और अगर आप यहां से लेफ़्ट जाते हैं तो आप सीधा भीम गोड्डा पर पहुंच जाओगे। अब की बार तो हम आपको उन मंदिरों के दर्शन नहीं करवा पाए, लेकिन कभी दोबारा टाइम लगेगा तो बिल्कुल आपको घुमाएँगे सभी मंदिरों में। हरिद्वार से ऋषिकेश जो रोड जा रहा है ये भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। रोड एक्सपेंशन का जो काम चल रहा था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी हद तक तो बाईपास कंप्लीट हो गए हैं, बस कहीं कहीं बाकी है और इस साल लगता है कंप्लीट हो ही जाएंगे। ये पुराना रास्ता है, देखो कितना टाइट रास्ता था पहले, और अभी आपने देखा ही 4 लेन हाईवे बन चुका है। ये साइड में नए रोड की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है साथ ही साथ, और नए पुल पे भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी ही तैयार होने वाला है। फिर ये जो टाइम लगता है इस रास्ते पे वो भी कम हो जाएगा। यहाँ से पौंटा साहिब और देहरादून वाला रोड भी 4 लेन बन चुका है, वो भी देखिए कितना बढ़िया से बना हुआ है। बाईपास, इधर से बाईपास निकल गया, उधर नीचे से
देहरादून और पाउंटर साहिब वाला रोड जा रहा है। इसी रास्ते से आप कर्णप्रयाग, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। अभी आपके सामने में ऋषिकेश का एम्स है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है ऋषिकेश में। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, जैसा कि सुनने में आता है। और बैराज वाले रास्ते से घूम के हम दोबारा फिर ऋषिकेश की मार्केट वाले रोड पे आ गए हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश की पार्किंग में। और पार्किंग के बिल्कुल सामने देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा जानकी ब्रिज, जिसे सीता पुल भी कहा जाता है। ये अभी कुछ ही टाइम पहले ही बना है। इस पे भी हम आपको घुमाएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तो देखने के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।